दोस्तों, मोदी राज में घटते रोजगार और बढ़ते बेरोजगार की बात पर खुद सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि सरकार ने साफगोई दिखाते हुए अपनी ये नाकामी कबूल की है। संसद में तेलंगाना के कांग्रेस सांसद अनुमुला रेवंत रेड्डी के सवाल ने उसे मजबूर कर दिया कि वो रोजगार के मुद्दे पर वास्तविक स्थिति को देश के सामने स्पष्ट करे। कांग्रेस सांसद के सवाल के बाद सरकार ने जो लिखित जवाब दिया उसके मुताबिक मोदी जी के राज यानी साल 2014-15 से 2021-22 के बीच 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने नौकरियों के लिए आवेदन किया, लेकिन सरकार ने केवल 7 लाख 22 हजार लोगों को ही नौकरी दी। आंकड़ों पर एक बार फिर से गौर फरमाइए, 22 करोड़ 5 लाख लोगों ने नौकरी मांगे, मिले कितने लोगों को? मात्र 7 लाख 22 हजार लोगों को। पिछले 8 साल में 1% से भी कम लोगों को नौकरी दे पाई है ये मोदी सरकार। नौकरी पर बीजेपी के बड़े बड़े वादों को याद कीजिए। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी बीजेपी ने। इस हिसाब से मोदी सरकार को पिछले 8 साल में 16 करोड़ लोगों को नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में नौकरी मिली है केवल 7 लाख 22 हजार लोगों को। बेरोजगारी पर सरकार के जवाब की जब इंडियन एक्सप्रेस ने पड़ताल की तो एक और पहलू उभर कर सामने आया। पता चला कि मोदी सरकार के 8 सालों के दौरान साल 2019-20 को छोड़कर साल दर साल गिरावट आई है, मतलब हर अगले साल नौकरी में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, साल 2014-15 में कुल 1,30,000 लोगों को नौकरी दी गई, 2015-16 में 1,11,000 लोगों को, 2016-17 में केवल 1,01,000 लोगों को नौकरी मिल पाई, 2017-18 में ये संख्या घटकर 76,147 की हो गई, 2018-19 में तो केवल 38,100 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली है। चुनावी साल में नौकरियों की संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज हुई है। उस साल यानी 2019-20 में 1,47,096 लोगों को नौकरी मिली है, लेकिन उसके अगले साल से फिर नौकरियों में गिरावट दर्ज होने लगी। साल 2020-21 में केवल 78,555 लोगों को सरकार ने नौकरी दी, 2021-22 में तो केवल 38,850 लोगों को ही नौकरी मिली है। वादा था हर साल 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी लोगों को देने का और दिया जा रहा है 38,000 लोगों का। इस जुमलेबाजी पर सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता, सवाल पूछने पर जेल जाने का खतरा है। वैसे भी माननीय मोदी जी पहले ही चाय बेचने को भी रोजगार की श्रेणी में डाल चुके हैं, कल होकर वो चाय बेचने को सरकारी नौकरी की कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। इस बीच सरकार ने सरकारी नौकरी के मुद्दे पर एक नई बाजीगरी दिखाई है। माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अगले 1.5 साल के दौरान 10 लाख लोगों को भर्ती करने का निर्देश दिया है। निर्देश शब्द पर विशेष ध्यान देने की आपको जरूरत है, नौकरी दिया नहीं गया है, बस मोदी साहब की तरफ से निर्देश जारी हुआ है। इस निर्देश की हकीकत का पता तो साल 2024 में ही चलेगा। वैसे सरकारी नौकरी के इन आंकड़ों से अभी ये जरूर पता चल गया है कि क्यों ये सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने से कतरा रही है। जब जब कांग्रेस संसद में सरकार से बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल पूछती है, सरकार उससे कन्नी काटकर कोई नया मुद्दा खड़ा कर देती है। सरकार के इस कलाकारी की असली वजह क्या थी वो अब सब सामने आ चुकी है। अब देखना है कि अपनी इस नाकामी को सरकार जी क्या जुमलेबाजी करते हैं। नमस्कार।